वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके डिफाय। आज मैं टेट 2012 में पूछे गए प्रश्नों का हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 2012 में हम शामिल हुए थे जिसका बेनिफिट हमें बहुत मिला। तो 2012 का टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा का क्वेश्चन देखिए, हम एक एक करके आपको ये प्रश्न दिखाएंगे, ताकि जो विद्यार्थी बीएड करके ट्रेनिंग करके बैठे हैं और शिक्षक बनने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिट हो जाएगा, कुछ लाभ मिलेगा। तो हम आपको दिखाते हैं ये 2012 में पूछे गए प्रश्न पत्र है, इसको हम पीडीएफ करके दिखाएंगे। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये 2012 हुआ था, 2012 के बाद 2016 हुआ है, 16 के बाद अभी तक हुआ नहीं है। तो हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए बहुत ये बहुत बेसब्री से इंतजार है कि हमारा झारखंड सरकार कब जेटेट की परीक्षा ले। तो देखते हैं जेटेट 2012 की, इसमें दो तरह से बहाली हुई थी, सहायक शिक्षक और उर्दू सहायक शिक्षक, असिस्टेंट टीचर और उर्दू असिस्टेंट टीचर। तो ये जो है 1-5 के लिए, कक्षा 1-5, क्लास 1-5 के लिए। तो क्लास 1-5 के लिए क्या कहा जाता है, L1। तो परीक्षा का अवधि उस समय कितना था, मात्र 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में 150 क्वेश्चन, 1.5 घंटा में 150 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। तो यहाँ 150 क्वेश्चन बहुत है और समय यहाँ कम था, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि सीटेट में देखते हैं कि टोटल 2.5 घंटा का समय होता है और 150 क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर 1.5 घंटा में 150 क्वेश्चन सोल्व करना, सीटेट में 2.5 घंटा में 150 क्वेश्चन सेट करना, थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट था। लेकिन 2012 का जो डेट था, अभी प्रेजेंट टाइम के समय से देखा जाए तो उस समय बहुत इजी था। तो सब्जेक्ट जेटेट में सब्जेक्ट कितना था से देखते हैं और मार्क्स कितना था। तो टोटल मार्क्स 150 नंबर के था, एक क्वेश्चन जो है से 1 मार्क्स का था। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन 150 था और मार्क्स क्या था, 150। तो इसमें पहला है हिंदी देखते हैं। तो हिंदी में क्या था कि इसको दो कैटेगरी बांट दिया गया था, एक हिंदी और इंग्लिश, जो हिंदी 15 नंबर का था और इंग्लिश 15 नंबर का था, दोनों जोड़ देते हैं तो 30 नंबर का। इस तरह से लैंग्वेज पेपर हो गया 30 नंबर। उसी तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास, तो इसमें देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में भी मान लेते हैं इसको 15 नंबर, इसका पेडागोजी में मान लेते हैं 15 नंबर, दोनों 30 नंबर हो जाएगा। फिर है मैथमेटिक्स, मैथ, तो इसमें क्या आएगा, 30 नंबर। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसको बोलते हैं ईवीएस, ये कितना नंबर का था, 30 नंबर का। और 5वां नंबर है क्षेत्रीय लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, ये आपका 30 नंबर का था। इस तरह से टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5×30 मतलब 150। पात्रता परीक्षा 2012 टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2012 के प्रश्न, 2012 के टेट में पूछे गए प्रश्नों को हम अवलोकन करेंगे। यह कक्षा 1-5 के लिए है। तो ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं प्रश्न किस तरह से किस कैटेगरी में पूछा गया था। यह हिंदी के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर 30 नंबर का प्रश्न था, हिंदी 15 नंबर का और इंग्लिश 15 नंबर का। ये अनुमानित नंबर अंकित किया गया है कि इस परीक्षा में मैं भी शामिल हुआ था, जिसमें से अनुमानित 15 में से 14 नंबर प्राप्त किया था। तो ये पहला प्रश्न है जेटेट में पूछे गए हिंदी के, ये प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। अभी के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो उस समय प्रश्न बहुत ही इजी था, लेकिन 2012 के बाद अब तक मात्र एक ही टेट हुआ है, 2012 में हुआ, उसके बाद 2016 में। तो ये हिंदी के प्रश्न है, देखिए जो विद्यार्थी बीएड और टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं और वे टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शायद यह सहयोग का काम आवे।
इन प्रश्नों को देखकर आपको कुछ पता चलेगा। हम सिलेबस भी इसको बताएंगे कि टेट में किस तरह से सिलेबस पूछा जाता है और 2012 के टेट में किस तरह सिलेबस पूछा गया था। तो ये इंग्लिश है, देखिए 16 नंबर से इंग्लिश स्टार्टिंग होगी, क्वेश्चन 16 से 15 तक हिंदी था, तो इंग्लिश में थोड़ा पुअर थे हम, जिसमें से जब हम परीक्षा दे के आए तो एकदम हार्डली चेक किए, तो हो सकता है एकदम जो जिसमें कॉन्फिडेंस था तो उसमें से जब चेक किए तो लगा कि 15 में 6 नंबर आएगा, लेकिन आंसर जब जारी हुआ और इसको चेक किए तो कुछ बढ़ा। तो इस तरह से इंग्लिश का प्रश्न था। देखिए वन टू फाइव जो L1 के नाम से जाना जाता है, L1 1 to 5 के लिए इंग्लिश का प्रश्न थोड़ा हार्ड ही होता है, जो हिंदी विद्यार्थी होते हैं उनके लिए इंग्लिश थोड़ा टफ होता है, तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इंग्लिश में फैक्टर होता है आपका पैसेज, जिस जो पैसेज को सही ढंग से हम जवाब दे सकते हैं उस पर नंबर ला सकते हैं। ये देखिए ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो बाल विकास से पूछे गए प्रश्न है, ये 30 नंबर का होता है। इस तरह से 5 विषय होता है जो 33 नंबर करके देखेंगे तो 150 नंबर का ये कुल पूर्णांक होता है, और उसमें आप जितना नंबर लाइए इतना अच्छा रहेगा। तो ये है बाल विकास में पूछे गए प्रश्न है, टेट का परीक्षा होगा, तो हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछा जाए, तो आपको कठिनतम प्रश्न के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आंसर में जो टिक लगाया गया है वो कोई ज़रूरी नहीं कि यह आंसर सही होगा, हो सकता है ये गलत होगा, तो इस बार आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा देने के दरमियान यह टिक लगाया गया है, हो सकता है गलत भी होगा। इस तरह से बाल विकास से पूछा गया ये प्रश्न है, 30 नंबर का यह क्वेश्चन है, तो देखते हैं और दूसरा विषय में किस तरह से प्रश्न पूछा गया उसको भी देख लेते हैं। लंबा वीडियो थोड़ा बनेगा तो धैर्य रखें, ये मैथमेटिक्स है, मैथ है, 1 to 5 के लिए मैथ आपको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि वर्ग पहला से पांचवा तक में आपको सब विषय पढ़ाना मिलेगा, छठा सब ऊपर बनेंगे टीचर तो विषयवार आपको पढ़ाना होगा, जिस विषय सब स्नातक किए उसका आप स्पेशल टीचर बनेंगे, लेकिन 1 to 5 में आपको सभी विषय जो 1 to 5 क्लास में जो पेपर होता है उसको सभी आपको बढ़ाना होगा, है ना, इसके लिए मैथ भी आपको पढ़ना अनिवार्य है। तो 1 to 5 के लिए मैथ तो आसान ही होगा, तो ये मैथ का क्वेश्चन है जो 2012 के टेट परीक्षा में पूछा गया था। देखिए ये कितना अच्छा प्रश्न है, एक स्कूल में 1739 विद्यार्थी हैं जिनमें से 849 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है, 0 और 90 के बीच के कोण को क्या कहते हैं। घनाभ से प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था 2012 के टेट परीक्षा में। केंद्र सरकार सी टेट का एग्ज़ाम लेती है जो हर साल 2 बार आयोजित किया जाता है, लेकिन हमारे झारखंड सरकार 2016 के बाद से अभी तक कोई टेट परीक्षा नहीं ली है, कम से कम साल में एक बार ज़रूर होना चाहिए टेट परीक्षा,
ताकि जो बीएडधारी हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, बीटी किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, वैसे छात्रों के लिए टेट में बैठने का सुअवसर प्राप्त होता। देखिए ये पर्यावरण का क्वेश्चन है, ईवीएस का, ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इसमें भी इसमें भी 30 प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह से ये कितने प्रश्न टोटल हो जाएंगे, 5 विषय का 30-30 नंबर का प्रश्न, ये आपका 150 क्वेश्चन होगा और 150 मार्क्स भी होगा। अब उसमें आप जितना भी ले लाइए। जो खोटा का जो प्रश्न है 30 नंबर का, वो भी बताएंगे। उसका पेपर अलग से दिया गया था क्योंकि वह क्षेत्रीय लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो हमारे झारखंड में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, तो आप किस क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए ओमनीवोरस का क्या अर्थ है, ओमनीवोरस एक क्वेश्चन आया था जो अभी देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में छोटे बच्चे लोग पढ़ते हैं ओमनीवोरस। ये देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और बात रह गई इसको समझना है कि आंसर क्या है। तो ये बहुत देखिए प्रश्न है पूछने का कितना अच्छा तरीका है। भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, उभयचर, स्थलचर, स्तनपायी, सरीसृप। तो आप समझ जाइए कि जो जल और भूमि दोनों जगह रहते हैं वैसे जीव को क्या कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। पृथ्वी का 70% भाग जल है परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है। ये देखिए इतना अच्छा प्रश्न है, यदि इस तरह का अभी प्रश्न पूछा जाए तो कट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। ईवीएस का प्रश्न आप देख रहे हैं, तो इस प्रश्न को देखकर आप मन लगाकर पढ़िए। इस तरह से जेटेट का प्रश्न, इसमें 4 विषय का प्रश्न दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका लैंग्वेज पेपर हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखें आप बाल विकास का देखें, मैथ का देखें और ईवीएस का देखें। एक क्षेत्रीय भाषा का पेपर है जो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए।